चलो जी बच्चों, अभी कुछ देर पहले ना हमने बात करना स्टार्ट की अबाउट कॉस्ट बिहेवियर, और हमने इसमें बात करी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। मैं एक दफा दोबारा से वहीं से बात करना स्टार्ट करूंगा। देखिए जी, हमारा वैल्यू एड क्या है? अगर एक सेठ ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है ना बेटा, जैसे सेठ जो अपना छाबड़ी खोल के, शॉप खोल के है बैठा हुआ, फैक्ट्री खोल के है बैठा हुआ, या वो अपने सिगरेट और माचिस के डब्बे के पीछे भी जाके ना हिसाब किताब कर सकता है। उसके पास एक रजिस्टर होगा, उसके अंदर हिसाब किताब कर लेगा। अच्छा, सेठ का जो हिसाब किताब है ना, वो बड़ा मोटे मोटे किस्म का होगा। वो कैश फ्लो की बेस पे काम कर रहा होगा। उसने जब प्रॉफिट एंड लॉस अपने निकालनी होगी ना, वो ये देखेगा कितने रुपए की मैंने सेल्स की है, कितने रुपए का माल मैंने जो है वो सेल किया है, कितना पैसा आया है, और वो ये चेक करेगा कितना पैसा जेब से बाहर गया है, जितना पैसा बच गया वो प्रॉफिट, अगर पैसा नहीं बच रहा तो हम लॉस में जा रहे। अच्छा, सेठ कॉस्ट के अंदर किसी भी किस्म की डिफ्रेंसिएशन और क्लासिफिकेशन नहीं करेगा। वो क्लासिफिकेशन जो उसका मुंशी, जो मदरत, जो उसका पढ़ा लिखा चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे जब ये खाते अकाउंटेंट को प्रेजेंट किए जाएंगे तो अकाउंटेंट छूटते साथ ही पहली बात ये बोलेगा, सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपने हर चीज को एक्सपेंडिचर के अंदर बांध दिया, आपने मशीन बाय करी थी सर 5 करोड़ की, आपने उसको भी एक्सपेंस में शामिल कर दिया, सर आपने बिजली का बिल पे किया है 1 लाख रुपए का, आपने उसको भी एक्सपेंस में शामिल कर दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हर बच्चा फौरन से एक बात आइडेंटिफाई कर लेगा, वो बोलेगा सर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग अलग होता है, मशीन को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेके जाए। सेठ बोलेगा यार मुझे ये हिसाब किताब समझ नहीं आते, लेकिन आपको तो आते हैं। तो यही बच्चा, यही मुंशी जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करेगा, यही बच्चा जब आईए पढ़ेगा, यही बच्चा जब FR1 पढ़ेगा, यही बंदा जब FR2 पढ़ेगा, और इवेंचुअली AAFR पे जब वो आएगा फाइनेंशियल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस उस फॉर्मेट के अंदर बनाएगा जिस फॉर्मेट के अंदर IFRS ने रिकमेंडेशन दी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए बनती है, तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि उनका पैटर्न इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, इस अकाउंटेंट का पहला काम क्या होगा? वो सेठ को बोलेगा सर मैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को फाड़ रहा हूं, मैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को डाइसेक्ट कर रहा हूं, और मैं इस खर्चे के अंदर, सही है आपने जो भी एक्सपेंडिचर अपने पास मेंशन किए हैं, सही है आपने बोला भाई 50 लाख की सेल है, आपने बोला 20 लाख का एक्सपेंडिचर है, सर एक्सपेंडिचर 20 लाख का ही है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैं इस एक्सपेंडिचर को ना 200 के अंदर ब्रेक कर रहा हूं, सर मैं इस एक्सपेंडिचर को बींग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रेक कर रहा हूं प्रोडक्शन कॉस्ट में और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में। हर आइटम जो फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रहा है, हर एक्सपेंडिचर जो फैक्ट्री में माल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, वो सबका सब प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगा। याद होगा आप लोगों को, आप लोग जब आईए के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया करते थे बेसिक लेवल के ऊपर, तो आप परचेजेस के बाद, प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद कैरेज इनवर्ट्स की कॉस्ट को प्रोडक्शन का पार्ट बनाते थे। वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो प्रोडक्शन कॉस्ट में आपको खर्च करना पड़ रहा है, सर वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। उस सारे आइटम को प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनाने के बाद, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद, जो चीज पैदा होके आती है उस चीज का नाम आप लोग रखा करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यही 20 लाख का एक्सपेंडिचर माइनस, वो भी 20 लाख ही करेगा, लेकिन वो उस 20 लाख को माइनस करते वक्त कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करेगा। वो पहले फैक्ट्री कॉस्ट को साइड पे करेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को पहले माइनस करेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को सेल्स में से माइनस करने के बाद जो चीज पैदा होकर आएगी उसका नाम रखा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस स्टडीज। सर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वो सारे नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एडमिन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ बाद में माइनस करेगा और फिर नेट प्रॉफिट आएगा। तो फर्क क्या आया सर? सेठ के पास प्रॉफिट एंड लॉस था 50 लाख की सेल, 20 लाख की कॉस्ट और 30 लाख रुपए का प्रॉफिट। लेकिन यही काम जब फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है वो कर रहा होगा, तब भी सेल्स 50 लाख की होगी, प्रॉफिट तब भी 30 लाख का होगा, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ, एक चीज क्लियर हो जाएगी सर, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी 4 लाख की थी, 46 का हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट था, और सर 16 लाख के हमारे अदर एक्सपेंसेस थे जिसके बाद 30 लाख का प्रॉफिट। सर फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने जब कॉस्ट को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन के दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, फैक्ट्री और नॉन फैक्ट्री कॉस्ट में ब्रेक किया, तो उसकी बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में, बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गई। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस देख के जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है उससे कहीं ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसमें गेन की जा रही है। लेकिन एक बहुत काम की बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रही होती है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो शेयर होल्डर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने का होता है। तो क्योंकि आप रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं,
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आप अब तक बनाते आ रहे हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के कोर ऑपरेशंस और बिजनेस की बॉटम लाइन के बारे में इंप्रूव करते हैं। नाउ यही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब हमारे बच्चों के हाथ लगती है, कॉस्ट अकाउंटेंट के हाथ लगती है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के हाथ लगती है, रहती तो सेल तब भी 50 लाख है, प्रॉफिट तब भी रहता है 30 लाख का, कोई चेंज नहीं है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैफ 3 के स्टूडेंट्स हम लोग इस 20 लाख रुपए की कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। मिसाल के तौर पे हम बोलेंगे भाई वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख की है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो चीज पैदा होगी उसका नाम रखा जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। जिस तरह वहां पर आप प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करते थे, यहां पर आप वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। सर फिर हमारी 10 लाख की फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट 30 लाख का होगा। सर क्या फर्क पड़ता है, क्या जरूरत थी आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में डिवाइड करने की, सर ऐसे ही काम कर लेते जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटेंट कर रहा है। नहीं बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है उसका मकसद रिपोर्टिंग को पूरा करना था, उसका मकसद हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना था। हम जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं जिसमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के अंदर हमने कॉस्ट को ब्रेक किया है, तो हमने कॉस्ट को इसलिए ब्रेक किया, ऐसे इसलिए ब्रेक किया क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग जो है वो करना चाह रहे हैं। तो याद रखना, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हम लोग, कॉस्ट अकाउंटेंट कंसल्टेंट जो होता है, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहा होता है, उस प्रॉफिट एंड लॉस का पैटर्न ऐसा होने का एक बड़ा मेन रीजन होता है कि हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। सर क्या डिसीजन मेकिंग जो है वो करनी है, यार अगर मेरे 50 लाख की सेल है और 10 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है, 40 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे एक बात पता है कि फिक्स कॉस्ट एक ऐसा आइटम है जो चेंज नहीं होता। तो मैनेजर आपसे सवाल पूछेगा, वो बोलेगा यार अगर सेल यहां से डबल हो जाए तो क्या होगा। आप बोलेंगे सर अगर सेल आपकी डबल हो गई तो 100 मिलियन हो जाएगी। सर आपकी वेरिएबल कॉस्ट अगर 50 मिलियन पे 10 आ रही थी तो 100 मिलियन पे 20 मिलियन आएगी। सर कंट्रीब्यूशन 80 मिलियन हो जाएगा, लेकिन सर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। सर फिक्स कॉस्ट 10 मिलियन ही रहेगी, क्योंकि हमने पहले सीखा फिक्स कॉस्ट में किसी किस्म का चेंज नहीं आता, जब ही उसको फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। अच्छा, ये सारी बातें ना 12 महीने के टाइम पीरियड के लिए हो रही होती है। 12 महीने के अंदर इन द लॉन्ग रन तो रेंट की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सारा बच्चा ये लेक्चर सुनते हुए बोलेगा सर हम तो रेंट के मकान में रहते हैं, सर हमारे अब्बा की सैलरी जो है वो फिक्स है लेकिन हर साल इंक्रीमेंट लगता है। बेटा 12 महीने के टाइम पीरियड के अंदर कॉस्ट बिहेवियर चेक किया जाता है। बेसिकली हम लोग कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स के कंपोनेंट में इसलिए ब्रेक कर रहे होते हैं क्योंकि हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। हैं दो तीनों प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कोई तमीज तमत्तुन एग्जिस्ट नहीं करता, इसके अंदर रिपोर्टिंग और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है और इसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो वेरिएबल कॉस्ट से मुराद हर वो कॉस्ट जो सेल्स के साथ साथ चेंज हो रही है, सिंपल एज दैट। अब बिजनेस के अंदर ना मल्टीपल किस्म की कॉस्ट हो सकती है। सर कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है, मैं कुछ के नाम यहां पर मेंशन कर रहा हूं, आप सुनते जाएं और सोचते जाएं कि ये सारे के सारे एक्सपेंसेस वेरिएबल में फॉल करेंगे, फिक्स में फॉल करेंगे, या मे बी इसके अंदर दोनों कॉम्पोनेंट होंगे। मिसाल के तौर पर आसान बात पहले करते हैं, सर रेंट की कॉस्ट फिक्स है। आप मिसाल के तौर पे हम ये कॉलेज खोल के हैं बैठे हुए, अब चाहे हम इसमें ज्यादा बच्चे पढ़ाएं, कम बच्चे टीच करें, चाहे ऑपरेशन किसी महीने बंद हो, 2 महीने तो ऑपरेशन बंद ही होता है एक तरह से मार्च और सितंबर में, सर रेंट हमें पे सेम करना है। कल को 1000 बच्चे आ जाए, रेंट सेम पे करना है, तो रेंट की कॉस्ट हमारे पास फिक्स हो जाएगी। सर सिमिलरली हमारे पास जो स्टाफ काम कर रहा है, जो ऑफिस स्टाफ है जिनको हम सैलरीज पे कर रहे हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर नहीं है, सर उसकी सैलरी जो है वो आपने हर महीने पे करनी है, काम अच्छा हो के कम हो। सेठ कल को 10 करोड़ का मुनाफा कमाएगा तो सही है, हो सकता है थोड़ा बहुत बोनस पे कर दे, लेकिन सैलरी आपकी वही रहेगी, ठीक है ना, ये भी एक तरह की फिक्स कॉस्ट है। सर तीसरा एक सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर एक ही बात है, इलेक्ट्रिसिटी का। सर इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल कॉस्ट है क्या फिक्स है? सर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दोनों कॉम्पोनेंट आपके पास शामिल है। आप पूरे महीने बिजली अपनी बंद कर दें फिर भी आपके पास एक बिल आएगा, और ना सिर्फ बिल आएगा, बिल के अंदर टैक्स भी लग के आएंगे, बिल में IMF का इंटरेस्ट भी लग के आएगा। अगर पाकिस्तानी बिल है तो बेटा उसमें दुनिया जहान के सारे एक्सपेंडिचर शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दोनों आइटम है, वेरिएबल भी है फिक्स भी है। सर सिमिलरली फिर आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। सर डेप्रिसिएशन आपने निकाला होगा, याद होगा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिड्यूसिंग बैलेंस पर। सर डेप्रिसिएशन याद रखिएगा, ये टाइम बेस्ड कॉस्ट है। दोबारा बता रहा हूं, ये टाइम बेस्ड कॉस्ट है। सर क्या मतलब इस बात का? बेटा जरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बचपन में आज से 5000 साल पहले जो आपने फॉर्मूला याद किया था, जरा वो याद करें, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ। इसका मतलब मशीन आप चाहे ज्यादा यूज करें कम यूज करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप हर साल सेम पास कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन कॉस्ट फिक्स होती है, सर हर केस में होगी फिक्स, कुछ रेयर केसेस के अंदर डेप्रिसिएशन कॉस्ट
फिक्स नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर 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 मेरी फोटोकॉपी की मशीन है, तो आपको पता होगा कि फोटोकॉपी की मशीन का जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो मशीन की जो लाइफ होती है वो दे रहे होते हैं इन नंबर ऑफ कॉपीज। तो अगर उसमें लिखा हुआ है कि इस मशीन की लाइफ 1 मिलियन नंबर ऑफ कॉपीज पर डिपेंड कर रही है, तो इस केस में जितनी ज्यादा कॉपीज तुम बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। इस केस के अंदर डेप्रिसिएशन वेरिएबल है, बट एग्जामिनर या इंफॉर्मेशन सवाल में इट विल हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं डेप्रिसिएशन के केस में बात करूं एक एयरक्राफ्ट की, तो जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने जहाज की जो लाइफ होती है वो बता रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग आवर्स, फ्लाइंग आवर्स, ठीक है ना। अगर एक जहाज कारपेट के ऊपर खड़ा हुआ है, एयरपोर्ट पर है, बिल्कुल ही यूज में नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है वो तो डेप्रिशिएट हो ही नहीं रहा। वो बोले भाई 20,000 घंटे हमने खर्च करना है, तो 20,000 घंटों तक आपकी जो मशीन है वो हर घंटे के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रही होगी, ठीक है ना। तो ये कुछ केसेस के अंदर इस तरह का हो सकता है। सर इसके अलावा मुझे बताएं बैंक का इंटरेस्ट। सर बैंक को इस बात से गलत नहीं है कि आपने मुनाफा कमाया नहीं कमाया, जितना भी आप काम करेंगे बैंक आपसे सेम इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगा, ऊपर के पैसे आपके, बाकी जो है वो ऐसी बातें आपको पे करने पड़ेंगे। सर सिमिलरली अगर आपके पास मैं बात करूं फ्यूल कॉस्ट की, डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्री, अगर आपकी मशीन चल रही है और उसमें आप पेट्रोल जो है वो डाल रहे हैं, या अगर आपकी ऊबर में आप गाड़ी जो है आपने लगाई हुई है, तो सर आपकी फ्यूल कॉस्ट बिजली के बिल की तरह है। सर ये जितना आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा आपके पास आ रही होगी। सर सिमिलरली अगर मैं आपके फोन बिल्स की बात करूं, तो आपका फोन बिल्स भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना ज्यादा यूज किया है। सर सिमिलरली अगर मैं आपके वाईफाई ब्रॉडबैंड इंटरनेट की बात करूं, ऐसी बात है हर ऑफिस के अंदर होता है, तो सर आपको पता है इसके अंदर आप एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे होते हैं और वो हर महीने आपको जो है वो पे करनी पड़ती है। सर सिमिलरली अगर मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूं, अच्छा आप डिपेंड करता है एडवर्टाइजिंग हो कहां रही है। अगर मैं टीवी के ऊपर एडवर्टाइज कर रहा हूं, मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की है, या एडवर्टाइजिंग एजेंसी को मैंने इन्वॉल्व किया है, तो सर चाहे मेरे पास सेल ज्यादा हो या कम वो पैसे तो मेरे गए, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक के केस में मेरे पास ये जो कॉस्ट आ रही होती है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्लिक्स की बेस पर। तो वहां पर डिपेंडिंग ऑन दी मार्केटिंग अवेयरनेस कितने व्यूज मेरे पास आए हैं वो कॉस्ट उस चीज पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो याद रखें इसमें से कुछ कॉस्ट वेरिएबल है, कुछ कॉस्ट फिक्स है, कुछ कॉस्ट में दोनों कंपोनेंट है। सिमिलरली सर अगर मैं पैकेजिंग कॉस्ट की बात करूं, जाहिर सी बात है आप जो बना के बेच रहे हैं उसको आपने उसकी एक पैकेट भी अपने पास प्रिंट करवाया होगा, तो सर पैकेजिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, जितने ज्यादा आप माल बनाएंगे पैकेजिंग कॉस्ट आपकी उतनी ही बढ़ जाएगी। सर सिमिलरली अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, मिसाल के तौर पे चाय के होटल के ऊपर दूध और पत्ती, ये दोनों आइटम, सर अगर चाय नहीं बिकेगी तो कॉस्ट इनकर नहीं होगी, जितनी ज्यादा चाय सेल हो रही होगी उतनी ज्यादा मेरे पास कॉस्ट आ रही होगी। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट मैंने आपके सामने मेंशन किए, इनमें से कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स है। अब ये तो आपने थ्योरेटिकल बात कर ली। सर हमें आगे जाकर बात करनी है अगले सवाल में, अगली वीडियो के अंदर, कि यही चीज जब हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी, डेटा फॉर्म में आएगी, तो हमने डेटा को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। तो चले आए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं।